अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म डिस्कस कर रहे थे हम, और जिस जो टॉपिक हमने कवर किए थे उसमें फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर था, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, टॉर्क, मोशन ऑफ चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड, डिटरमिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशियो, बायो सेवर्ड लॉ, इसके अलावा एम्पियर्स लॉ, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स, और एम्पियर्स लॉ की एप्लीकेशन हमने डिस्कस किए थे सोलेनोइड और टोरॉइड। आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में और इंडक्शन को देखेंगे हम। इसके अलावा रिमेनिंग टॉपिक्स हमारे फैराडेस लॉ, VMI और मेथड्स ऑफ प्रोड्यूसिंग EMF, लेंज लॉ, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, ट्रांसफॉर्मर, मोशनल EMF। तो लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? तो चैप्टर नंबर 12 के अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स बेसिकली क्या है? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो ऑफ समथिंग। किसी पर्टिकुलर एरिया से लेट सपोज अगर पानी गुजरता है तो हम उसे कहते हैं कि पानी का वहाँ पर फ्लक्स मौजूद है, वाटर फ्लक्स। किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर हवा आ रही है तो हम कहेंगे वहाँ पर एयर का फ्लक्स मौजूद है। तो फ्लक्स एक लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है जिसके मीनिंग होते हैं फ्लो। तो फ्लक्स मीन्स फ्लो होता है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स को समझते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स दरअसल डेफिनेशन के हवाले से अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक हर मैग्नेट के अंदर जब बात की जाती है तो मैग्नेटिज्म के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज के हवाले से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रही है वो कहलाता था उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेट से ये चार्ज क्यू है, पॉजिटिव चार्ज है, और इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से गुजर रही है, इस तरीके से आ रही है, और मुझे ये देखना है कि इस रीजन में कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स मौजूद है इस पर्टिकुलर एरिया में। तो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग दिस स्पेसिफिक एरिया, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट आर क्रॉसिंग दिस एरिया, सो वी कैन से देर आर टू लाइन्स दैट आर क्रॉसिंग दिस एरिया। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 2 के इक्वल होगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरअसल क्या होता है? किसी भी सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो कितना फ्लो कर रहा है हम उसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के हवाले से तो मैग्नेटिक फ्लक्स को भी अगर हम इसी बात से मुशाबिहत दें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर ये होगा कि एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस कर रही है नॉर्मली हम उसे मैग्नेटिक फ्लक्स कहेंगे। तो डेफिनेशन भी हमारी कुछ यही है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इज द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस व्हिच आर पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस, ये मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। और इस फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल हमने बना के रखा हुआ है वो ये सिंबल है जो कि ग्रीक लेटर है जिसको फाई कहा जाता है। तो फाई हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कर रहे हैं। फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स अमाउंट ऑफ फील्ड होता है या अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है, हम उसको मेजर करने की कोशिश करते हैं। अगर बात की जाती है यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी एक पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही है मेजर करें तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कितनी मैग्नेटिक फ्लक्स पर्टिकुलर एरिया से गुजर रही है उसे मेजर करें तो हम उसे कहेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है जिसमें मल्टीप्लीकेशन लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, किस चीज़ का एरिया का लेते हैं और इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड का प्रोडक्ट लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का जो प्रोडक्ट होता है, मैग्नेटिक फील्ड यानी बी से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, एरिया यानी ए से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे, तब हम इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और एरिया का, तो हमें पता लग जाता है वहाँ पर कितना फ्लक्स मौजूद है। तो फ्लक्स कैलकुलेट करने का तरीका होता है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया। अब यहाँ पर बात की जाए कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से तो यहाँ पर जो कंपोनेंट लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड का वो नॉर्मल लिया जाता है। ये नॉर्मल कंपोनेंट क्या होता है इसको आगे चलकर हम बात करेंगे इसके बारे में। तो हमने मैग्नेटिक फ्लक्स को समझा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या चीज होती है। मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है मेजर करना। क्या मेजर करना? मैग्नेटिक फील्ड को मेजर करना एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड का फ्लो हो रहा है अगर आप उसे मेजर कर लेते हैं इट मींस आपने मैग्नेटिक फ्लक्स को नाप लिया। तो द मेजरमेंट अबाउट मैग्नेटिक फील्ड दैट पास थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया। इसी तरीके से हम जब बात करते हैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम फील्ड लाइंस बनाते हैं।
यानी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड जो है एक पर्टिकुलर पोल से ओरिजिनेट होती है, एक पर्टिकुलर पोल पर आके टर्मिनेट हो जाती है, उसके बाद फिर वो अगेन साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं जो कि नॉर्थ से स्टार्ट ओरिजिनेट होती हैं और यहाँ पर ख़त्म हो जाती हैं। तो बाज़ाहिर हमें लगता है कि ख़त्म हो रही है, नॉर्थ से निकल रही है, नहीं वो बल्कि साउथ से जो है दोबारा नॉर्थ की तरफ जाती हैं। तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस लूप बनाती रहती हैं। तो यहाँ पर हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं इन्हीं मैग्नेटिक फील्ड के हवाले से, इन्हीं फील्ड लाइंस के हवाले से डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं एक पर्टिकुलर एरिया को क्रॉस कर रही हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया देख भी रहे हैं कि एक सरफेस है हमारे पास जिसका पर्टिकुलर एरिया हमें नज़र आ रहा है, ये उसका एक पर्टिकुलर एरिया है और यहाँ पर फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। ये फील्ड लाइंस का एरो इस तरफ नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे पास नॉर्थ है और यहाँ पर हमारे पास साउथ है, नॉर्थ से निकलती हैं साउथ की तरफ आती हैं। तो ये बेसिकली फील्ड लाइंस हैं। तो हमने फॉर्मूला तो डिस्कस कर लिया पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स को कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि आप दो चीज़ों का प्रोडक्ट लेते हैं। वो दो चीज़ें क्या हैं, एक तो है एरिया, जिस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड फ्लो कर रही है उसका एरिया बताइए कितना है। ये एरिया कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा हमें एक और चीज़ चाहिए होती है, मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट चाहिए होता है। तो मैं जब बी डॉट ए करूंगा तो मुझे फ्लक्स का पता लग जाएगा और जब डॉट को रिमूव किया जाएगा तो कॉस थीटा आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम एक बी का कंपोनेंट ले रहे हैं और बी का जो कंपोनेंट हम ले रहे हैं वो बी का कंपोनेंट है बी कॉस थीटा। हम इस कंपोनेंट का को डिस्कस कर रहे हैं। बी के दो कंपोनेंट बनते हैं, हमें कौन सा कंपोनेंट लगाना है, जो कंपोनेंट नॉर्मल होगा टू द सरफेस। तो हमें बी का वो कंपोनेंट लेना है जो कि नॉर्मल टू सरफेस हो, जो सरफेस के साथ कितना डिग्री बना रहा होगा, 90 डिग्री बना रहा होगा, हमें उस कंपोनेंट की बात करनी है। तो इसी कंपोनेंट को हम आगे भी डिस्कस कर रहे हैं अभी कि लेट सपोज ये हमारे पास एक एरिया है पर्टिकुलर जिसका नाम ए है और इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन से गुजर रही है, जबकि जो स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं ये नॉर्मल लाइन है, मीन्स 90 डिग्री बना रही है ये लाइन। अब हमने ये करना है कि हमें अगर फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हमें मैग्नेटिक फील्ड के कंपोनेंट बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनते हैं, एक कंपोनेंट जो कि इस डायरेक्शन में होता है, नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है, और एक कंपोनेंट जो नॉर्मल की डायरेक्शन में नहीं है, यानी ये कंपोनेंट बी साइन थीटा। हमें यहाँ पर बी का कौन सा कंपोनेंट लगाना चाहिए, तो हमने यहाँ पर बात की थी बी का वो कंपोनेंट लगाइएगा जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो हम यहाँ पर जो कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने कहा हम दो कंपोनेंट में बी को रिजॉल्व करेंगे, एक कंपोनेंट कुछ ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। ये हमने बी के दो कंपोनेंट बनाने हैं, एक कंपोनेंट जो यहाँ पर है इसका नाम रख दिया, जाहिर सी बात है ये बेस है तो यहाँ लिख देंगे आप बेस के साथ यानी बी कॉस थीटा, और इस कंपोनेंट के साथ लिख देंगे आप बी साइन थीटा। तो हम जब फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें कौन सी मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट यूज़ करना होता है, वो कंपोनेंट यूज़ करना होता है जो सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो बी कॉस थीटा वो कंपोनेंट होता है जो सरफेस के साथ कितना डिग्री बनाता है, बी कॉस थीटा, इसे नॉर्मल कहते हैं। यानी आपने मैग्नेटिक फील्ड को सरफेस से क्रॉस करवाना है तो क्रॉस करवाते वक्त मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस के साथ जो रिलेशन है वो 90 डिग्री पर होना चाहिए, तब आप फ्लक्स कंसीडर करेंगे, अदरवाइज आप फ्लक्स कंसीडर नहीं करेंगे। तो सरफेस के ओरिएंटेशन ही को हम डिस्कस कर रहे हैं कि सरफेस को रखना कैसे है। तो इन दो डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट डायग्राम के अंदर सरफेस जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ कोई एंगल बना रही है और वो एंगल थीटा से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो है एंगल नहीं बन रहा, तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि सरफेस मैग्नेटिक जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो मैक्सिमम गुजरेंगी इसके अंदर से और फर्स्ट के अंदर मैक्सिमम नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, अगर एंगल 0 डिग्री होता है तो इसका मतलब ये होता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम करने के लिए आप सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। सरफेस को रखने का अंदाज मैटर करता है कि कितना उसमें से मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरेगा। आप सरफेस यू भी रख सकते हैं लाकर, आप सरफेस इस तरह से भी रख सकते हैं लाकर, ये आपकी विल पर डिपेंड करता है कि आपने सरफेस किस तरह प्लेस करनी है, ओरिएंटेशन का ख्याल रखना है।
तो ओरिएंटेशन फैसला करती है कि मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा या मैग्नेटिक फ्लक्स कम होगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि किन किन कंडीशंस पर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम होगा, किन कंडीशंस में मैक्सिमम नहीं होगा, हम उसको डिस्कस करेंगे। तो इन तीन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सरफेस हैं। पहली में हमने सरफेस को जो है फील्ड के पैरेलल रखा है, सेकंड के अंदर हमने जो है सरफेस को जो है यहाँ पर सेकंड में कोई एंगल बना रही है, और थर्ड के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ये थीटा जो है 0 डिग्री है। अब इन तीनों केस के अंदर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो है मुख्तलिफ फ्लक्स होंगे। तो पहला जब फ्लक्स की बात करते हैं, तो अगर सरफेस पैरेलल होती है मैग्नेटिक फील्ड के, तो सरफेस पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि यहाँ जो एरिया वेक्टर है वो एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाएगा। किसी भी सरफेस की जब एरिया वेक्टर की बात की जाती है, तो एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी माना जाता है, और एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो सरफेस के 90 डिग्री पर ली जाती है। तो अगर आप सरफेस यू रख देते हैं, इसका मतलब एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। अगर आप सरफेस इस तरह रखते हैं तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, सरफेस की ओरिएंटेशन को चेंज कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सरफेस पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर कितना डिग्री बना रही है, वो 90 डिग्री बना रही है। सरफेस के हिसाब से मैं बात करूँ तो सरफेस कैसी रखी है, सरफेस रखी है पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड केस की बात करें, थर्ड केस के अंदर जो है सरफेस रखी है मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से परपेंडिकुलर, और एरिया वेक्टर कैसे है, एरिया वेक्टर पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो एंगल है यहाँ पर, ये एंगल किसके बारे में है, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 0 डिग्री की वजह क्या है, एरिया और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। लेकिन अगर आप फर्स्ट डायग्राम की बात करें, फर्स्ट डायग्राम के अंदर जो है यहाँ पर एरिया वेक्टर 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इन दो डायग्राम में हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मैग्नेटिक लाइन गुजर रही है ब्लू। यहाँ पर देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका मतलब यहाँ पे फ्लक्स ज्यादा है और यहाँ पे फ्लक्स कम है। तो फ्लक्स को मिनिमम करने का एक तरीका पता लगा कि फ्लक्स को मिनिमम अगर करना है तो फ्लक्स को मिनिमम करने के लिए हमें सरफेस की ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी। कैसे ओरिएंटेशन चेंज करनी पड़ेगी, अगर मैं सरफेस को पैरेलल रख देता हूँ, मीन्स जीरो एरिया वेक्टर का 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, तो इसका मतलब वहां पर जीरो फ्लक्स हो जाएगा। और अगर फ्लक्स को मैक्सिमम करवाना है तो आपने सरफेस को कैसे रखना पड़ेगा, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, या एरिया और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लिहाज से पैरेलल होने चाहिए। तो पॉजिटिव फ्लक्स के लिए हमने एंगल्स की कुछ बातें लिखी हैं एंगल्स के हवाले से, कि अगर आपको पॉजिटिव फ्लक्स चाहिए तो पॉजिटिव फ्लक्स आपको किन एंगल्स में मिलेगा, 0 डिग्री पे आपको मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा और 90 डिग्री पे आपको मिनिमम फ्लक्स मिलेगा। आप यहाँ देख भी सकते हैं कि 90 डिग्री पे जीरो आंसर आ रहा है और 0 डिग्री पे मैक्सिमम आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आपको जो है फ्लक्स मिल रहे हैं 0 और इसके अलावा बी ए के बराबर। तो अगर आपको फ्लक्स पॉजिटिव चाहिए तो आप 0 डिग्री से एंगल बढ़ा भी सकते हैं, आप 30 डिग्री कर लें, 40 डिग्री कर लें, 50, 60, 70, 80, फ्लक्स पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जीरो से जब आप 90 की तरफ एंगल चेंज कर रहे होंगे, इंक्रीज कर रहे होंगे, तो फ्लक्स की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फ्लक्स जीरो चाहिए तो फ्लक्स जीरो, हम यहाँ देख रहे हैं कि फ्लक्स जीरो के लिए हमें 90 डिग्री करना पड़ता है, या हमें क्या करना पड़ता है, 270 डिग्री। जबकि फ्लक्स को हम नेगेटिव भी बना सकते हैं। फ्लक्स नेगेटिव बनाने का मतलब क्या होता है कि फ्लक्स अगर नेगेटिव करना है आपने, तो सरफेस में ये एरिया वेक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर मैं ऐसे कर देता हूँ, अपोजिट, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, तो उस सूरत में आप कह सकते हैं कि फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स नेगेटिव कहलाएगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड इफ दे आर अपोजिट टू ईच अदर, देन वी से मैग्नेटिक फ्लक्स इज नेगेटिव। ये हमने कंडीशन डिस्कस कर लिए, अब बात करते हैं फ्लक्स के यूनिट के हवाले से और फ्लक्स की मेजरमेंट के हवाले से। तो फ्लक्स का जो यूनिट होता है SI यूनिट, वो होता है वेबर, यानी फ्लक्स को हम जिस यूनिट में मेजर करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूंगा मैं आपसे, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा, वेबर, जो कि एक फिजिसिस्ट के नाम पर रखा गया है, और उन फिजिसिस्ट का नाम है विलियम वेबर, विलहम वेबर। तो विलहम वेबर के नाम पर हमने मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट रखा है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं उसका नाम होता है मैग्नेटोमीटर।
तो मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट हमने डिस्कस कर लिया, वेबर होता है। इसके अलावा मैग्नेटिक फ्लक्स किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर किया जाता है? मैग्नेटोमीटर से मेजर किया जाता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्लक्स लिंक्ड टू द कॉइल। हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को मूव करते हैं तो फ्लक्स जो है इस कॉइल के साथ मिलना शुरू हो जाता है, इस कॉइल के अंदर फ्लक्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। अब इसके हवाले से हम बात करते हैं कि फ्लक्स लिंक के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे हैं, और फेराडे नामी साइंटिस्ट ने ये एक्सपेरिमेंट किया। और फेराडे के एक्सपेरिमेंट कुछ ये था कि यहाँ पर आप एक मैग्नेट देख सकते हैं जिसके ऊपर दो पोल बने हुए, एक एन और एक एस, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। जब आप इस मैग्नेट को यहाँ पर लेकर आते हैं, यानी लेफ्ट साइड पर लेकर आते हैं, तो इस कॉइल के अंदर जिसके साथ एक गैल्वानोमीटर अटैच है, तो इस कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, मैं मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाने के बाद हो क्या रहा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इस मैग्नेट को दूर ले जाता हूँ, तो मैग्नेट को दूर ले जाने पर अगेन यहाँ पे करंट प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन दोनों में करंट की जो डायरेक्शन है वो चेंज है। यहाँ पर देखें करंट का एरो ये है, तो करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इस डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, इस डायरेक्शन में जाने का मतलब ये है कि यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज बात की जा रही है, कि यहाँ पे करंट एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर मैं आपसे यहाँ बात करता हूँ तो यहाँ पे करंट देखें यूं जा रहा है, तो यूं जाने का मतलब क्या है, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो हम बेसिकली यहाँ पर करंट प्रोड्यूस करवा चुके हैं। कैसे हमने करंट प्रोड्यूस करवाया, तो फैराडे के एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा कि हमने मैग्नेट को मूव किया, तो मैग्नेट को जब मूव किया तो फर्स्ट डायग्राम में हमने ये देखा कि जैसे हम मैग्नेट को मूव करेंगे इस तरफ, तो नॉर्थ पोल बन जाएगा, साउथ पोल बन जाएगा कॉइल के पास, और करंट एंटी क्लॉकवाइज में जाएगा। इसी तरह से जब मैग्नेट को अवे लेकर जाएंगे तो साउथ पोल जनरेट हो जाएगा, और साउथ पोल जब बनेगा तो करंट जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये फैराडे का एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर वो ये बताना चाह रहे थे कि अगर मैग्नेट को आप मूव करते हैं तो मैग्नेट को मूव करने की वजह से आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिहाज से जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि अगर आपने मैग्नेट की मोशन और मैग्नेट को मूव करवाते रहना है, रिलेटिव मोशन रखनी है किसकी, कॉयल और मैग्नेट की, आपकी मर्जी है आप मैग्नेट को मूव करवाएं, आपकी मर्जी है आप कॉयल को मूव करवाएं, लेकिन किसी एक को आपने मूव करवाना है। क्योंकि अगर आप मैग्नेट को रोक देते हैं तो मैग्नेट को रोकने के बाद इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनता। इसी तरीके से यहाँ पर जो है, जैसे हम यहाँ पे मोशन करवा रहे थे तो वहाँ पर कॉयल के पास पोल जनरेट हो गए थे, एक जगह नॉर्थ पोल और एक जगह साउथ पोल। जबकि करंट की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए, वाकई इसमें करंट बन रहा है नहीं बन रहा, तो हमने उसके लिए गैल्वानोमीटर के डिफ्लेक्शन को चेक किया था कि डिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या शो कर रहा है। इंड्यूस करंट जो है सिर्फ और सिर्फ कब बनता है, इंड्यूस करंट उस सूरत में बनता है जब आप कॉइल या मैग्नेट को मूव करते हैं, तो उस सूरत में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होता है, यानी इलेक्ट्रिक करंट बनता है। तो यहाँ पर हमने बात की इस एक्सपेरिमेंट की ऑब्जर्वेशंस के हवाले से। अब यहाँ पे कुछ ज़रूरी बातें वो हमें ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर जो है कॉइल को आपकी मर्जी पर है कि आप कॉइल को मूव करवा रहे और मैग्नेट को फिक्स रखें, पहला ऑप्शन आपके पास है। आपकी मर्जी पर है आप कॉइल को भी मूव करवाएं, मैग्नेट को भी मूव करवा सकते हैं आप। आपकी मर्जी पर है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक टू द कॉइल चेंजेस रिलेटेड टू द पोजीशन ऑफ द कॉइल एंड मैग्नेट। यहाँ पर जो है मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना जरूरी है। असल बात यह है, यहाँ पर अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना चाह रहे हैं मैग्नेटिक फ्लक्स को, तो आपके पास ऑप्शन है कॉइल को मूव करवाए, मैग्नेट को मूव करवाए, या दोनों को मूव करवा सकते हैं आप यहाँ पर, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट हो सकता है मौजूद। तो अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जिसकी वजह से हमने फैराडेज एक्सपेरिमेंट में जिसके बारे में बात की। हम जो टॉपिक का डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम मैग्नेटिज्म को यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाते हैं। जैसे एम्पियर्स लॉ में हमने देखा था कि एम्पियर्स लॉ हो गया, बीओ सावर्ट लॉ हो गया, तो बीओ सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में से करंट आई गुजरता है, तो करंट आई गुजरने से उस कंडक्टर के पास एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाती है, और वो मैग्नेटिक फील्ड बीओ सावर्ट में हमने कैलकुलेट भी की थी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई आर।
ये मैग्नेटिक फील्ड का अमाउंट कैलकुलेट किया था पीयूष सावर में हमने, यानी इलेक्ट्रिक करंट इज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब हम इस बात को रिवर्स पढ़ते हैं, क्या अगर इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है तो आप ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाया जाए? अगर ये मुमकिन हो जाए कि मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट जनरेट किया जाए, अगर ऐसा पॉसिबल हो जाए तो ऐसे प्रोसेस को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या चीज़ है कि हम मैग्नेटिक फील्ड को यूज करते हुए क्या जनरेट करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करवाएंगे। अगर मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हुए इलेक्ट्रिक करंट बना लिया जाए तो हम उसे कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन एक ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है जिसके अंदर EMF बन जाती है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनती है। और कहाँ पर होती है, कंडक्टर के अंदर। क्यों बनती है, उसकी वजह हमने क्या पढ़ी, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन ये की कि हाउ वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी। सो वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिज्म। हम मैग्नेटिज्म को यूज़ करते हुए बना सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस इंडक्शन की मुख्तलिफ एप्लीकेशन है जो कि हम यूज़ करते हैं, इंडक्टर की सूरत में यूज़ करते हैं, मोटर की सूरत में हम यूज़ कर लेते हैं, इसके अलावा ट्रांसफार्मर की सूरत में हम यूज़ कर लेते हैं, जनरेटर की सूरत में यूज़ कर सकते हैं। तो इंडक्शन हैज मैनी एप्लीकेशंस। तो इस इंडक्शन को समझने के लिए, इंडक्शन किस तरीके से हो सकती है, हम उस पर बात कर रहे हैं। तो इंडक्शन के हवाले से फैराडे ने मुख्तलिफ लॉस दिए हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस हमने देखा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी को इंड्यूस करवाते हैं किसी भी कंडक्टर के अंदर बाय चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड अगर आप चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। तो फैराडेस ने अपने लॉस के अंदर ये डिस्क्राइब किया है कि हाउ वी कैन क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, हाउ वी प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पर जब आप फ्लक्स चेंज करते हैं, व्हेन अ फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज चेंज्ड एंड EMF इज इंड्यूस। जैसे ही आप फ्लक्स चेंज करेंगे तो EMF बन जाएगी। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब, जैसे कि हम जानते हैं बैटरी के पास एक EMF होती है, और EMF का मतलब ये होता है कि बैटरी की एक ऐसी एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाए, हम उसे EMF कहेंगे। तो बैटरी इज अ सोर्स ऑफ EMF बिकॉज बैटरी इज प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो हमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए, हमें EMF का सोर्स बनाना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स बनाना है। तो हमने सोर्स बनाने के लिए कौन सी एनर्जी बीच में यूज़ कर रहे हैं, फ्लक्स के थ्रू हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएंगे। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको सप्लाई करेगी उसे आप क्या बोलेंगे, उसके पास क्या है, EMF है। तो EMF बेसिकली, अगर आपको किसी कंडक्टर को EMF का सोर्स बनाना है तो EMF का सोर्स बनाने के लिए आपको वहाँ पर फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत पड़ती है। जब आप फ्लक्स को चेंज करेंगे तो EMF बनना शुरू हो जाएगी। द EMF लास्ट सो लॉन्ग एज द चेंज ऑफ फ्लक्स इज इन प्रोग्रेस। EMF बनती रहेगी, वो कंडक्टर EMF का सोर्स रहेगा, कब तक, जब तक फ्लक्स के अंदर चेंज आता रहेगा। लेकिन जैसे ही फ्लक्स में चेंज आप बंद कर देते हैं, फ्लक्स चेंज नहीं होता, तो आप कहेंगे यहाँ पर कि EMF ख़त्म हो जाएगी, EMF ज़ीरो हो जाएगी। यानी फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो जाता है, फ्लक्स तब्दील नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि वहाँ पर EMF नहीं बनेगी। तो EMF बनाने के लिए हमने बेसिक बात क्या याद रखनी है कि हमें फ्लक्स को चेंज करते रहना है। अगर फ्लक्स चेंज होता रहेगा तो EMF बनती रहेगी। तो फर्स्ट लॉ क्या है कि अगर आपको किसी कॉइल के अंदर, किसी कंडक्टर के अंदर EMF को इंड्यूस करवाना है तो उसके लिए आपको फ्लक्स को चेंज करना ज़रूरी है। सेकेंड लॉ ऑफ EMI ये है कि आपको फ्लक्स मेजर करना है, कितना फ्लक्स बना आपके पास। तो फ्लक्स को मेजर करने के लिए हम यहाँ पे दो बातों को जहन में रखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, और सेकेंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। यानी किसी भी जगह पर जो फ्लक्स है, मैग्नेटो फ्लक्स, अगर मैं जानता हूँ कि EMF जो बन रही है किसी भी कॉइल के अंदर, वो कितनी EMF बन रही है, मुझे उस EMF के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए कि जो मेरा कंडक्टर या कॉइल है वो EMF का सोर्स तो बन गया है, लेकिन वो कितने वोल्ट की EMF बना रहा है, 1 वोल्ट की बना रहा है, 2 वोल्ट की बना रहा है, 3 वोल्ट की बना रहा है।
तो उसके लिए मुझे एक एक्सप्रेशन डिस्क्राइब करना पड़ेगा। उस एक्सप्रेशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं कि वहाँ पर उस एक्सप्रेशन में कौन कौन सी बातों का ख्याल रखा जाएगा। तो पहली बात यह है कि फ्लक्स का चेंज देखना पड़ेगा। जितना ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आप लेकर आएंगे उतनी ही ज़्यादा EMF जनरेट होगी। सेकेंड क्या है, उस कॉयल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स हमें देखने पड़ेंगे। लेट सपोज ये कॉयल है, इसके पास लेट 3 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एक और कॉयल है जिसके पास 3 से ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इस कॉयल के अंदर ज़्यादा EMF इंड्यूस होगी, इस कॉयल में कम EMF इंड्यूस होगी। तो EMF जो होती है वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है। इसके अलावा किस पे डिपेंड करती है, फ्लक्स में चेंज कितना ज़्यादा आ रहा है। अगर फ्लक्स में चेंज आ रहा है लेकिन कम आ रहा है, यानी डेल्टा फाई की अगर मैं वैल्यू आपसे कहता हूँ, एक जगह डेल्टा फाई की वैल्यू 1 वेबर का चेंज आ रहा है, एक जगह डेल्टा फाई यानी फ्लक्स में जो है 10 वेबर का चेंज आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि जहाँ फ्लक्स में ज़्यादा चेंज आएगा वहाँ पर इंड्यूस EMF भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो फ्लक्स का चेंज हमें इंक्रीज करना पड़ेगा, साथ में नंबर ऑफ टर्न्स को हमें बढ़ाना पड़ेगा, इससे हम कह सकते हैं कि हम EMF ज़्यादा कर सकते हैं। इसी बात को हम मैथमेटिकली देखते हैं कि यहाँ पर EMF का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है n यानी नंबर ऑफ टर्न्स, phi यानी फ्लक्स, डेल जरूरी है, फ्लक्स का चेंज करना जरूरी है, अगर फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो फैराडे के लॉ के मुताबिक EMF इंड्यूस नहीं होती। जबकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करते हैं, यहाँ पे माइनस साइन जो रिप्रेजेंट करता है वो डायरेक्शन ऑफ EMF को बताता है, और इस डायरेक्शन के हवाले से हम बात करेंगे लेंस लॉ के अंदर, यानी लेंस लॉ एक्सप्लेन करेगा वाई वी आर प्लेसिंग नेगेटिव साइन ओवर हेयर। हमने यहाँ पर इंड्यूस EMF के बारे में बात की है कि EMF का मतलब क्या होता है। EMF का मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब होता है कि जो भी चीज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करेगी वो सोर्स ऑफ EMF होगी। अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि EMF को डिफाइन करें, तो EMF की डेफिनेशन ये होती है कि कंडक्टर के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस बनना शुरू हो जाता है, यानी एक जगह हाई पोटेंशियल एक जगह लो पोटेंशियल, तो इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस पोटेंशियल डिफरेंस को आप क्या नाम देते हैं, उसकी EMF का नाम देते हैं। तो EMF यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का बन जाना फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, अब उसे EMF कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इंड्यूस करंट क्या चीज़ है, तो इंड्यूस करंट ये होता है कि जब बात की जाए इंड्यूस EMF की, तो EMF जनरेट होने के बाद एक कंडक्टर में अगर EMF जनरेट हो गई है तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा इसके पास जो है पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, यहाँ पर हाई पोटेंशियल आ गया है और यहाँ पर लो पोटेंशियल आ गया है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस बनने से चार्ज फ्लो करना शुरू कर देता है, यानी पहले इंड्यूस EMF बनती है और इंड्यूस EMF बनने के बाद चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो जब चार्ज फ्लो होना शुरू हो जाए तो हम उसे कहेंगे वहाँ पर क्या बनना शुरू हो गया है, वहाँ पर करंट बनना शुरू हो गया है। तो इंड्यूस करंट का मतलब क्या हुआ, इंड्यूस करंट का मतलब चार्ज का फ्लो होना है। जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज की जाए, जब फ्लक्स को चेंज किया जाए, तो हम उसे कहेंगे कि यहाँ पर जो है इंड्यूस करंट बन चुका है। अब बात करते हैं लेंज लॉ क्या है। तो हमने फैराडेस लॉ में देखा था कि फैराडेस लॉ का एक्सप्रेशन था E इज इक्वल टू माइनस का एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये फैराडेस लॉ था। यहाँ पर जो माइनस साइन हम देख रहे थे, हम कहा था ये माइनस साइन हम एक्सप्लेन करेंगे लेंज लॉ के अंदर। तो लेंज लॉ माइनस साइन क्यों लेंज लॉ में हम लगाते हैं, तो माइनस साइन की वजह ये होती है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द चेंज दैट इज प्रोड्यूसिंग इट। यानी जो इंड्यूस EMF है, जो इंड्यूस करंट है, वो हमेशा अपोज करती है किसके, अपनी कॉज के अपोज करती है। जिसने उस EMF को प्रोड्यूस किया वो हमेशा उसके अपोजिट ही बनेगी। अब इस बात को समझते हैं हम कि यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है। तो इंड्यूस करंट या इंड्यूस EMF का मतलब यहाँ पर ये होता है कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर बात की जाए इंड्यूस करंट के हवाले से, तो इंड्यूस EMF और इंड्यूस करंट का मतलब यहाँ पर ये होगा कि लेट सपोज मेरे पास एक कॉइल है और इस कॉइल के साथ मैं एक गैल्वेनोमीटर लगा देता हूँ। ये गैल्वेनोमीटर मैंने लगा दिया यहाँ पर, और यहाँ पर मैं एक मैग्नेट रख देता हूँ। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, और मैग्नेट को इस डायरेक्शन में आगे की तरफ लेकर आता हूँ। इससे होता यह है कि इस कॉइल के पास पोल जनरेट हो जाते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू हो जाता है, यानी करंट की डायरेक्शन ये हो जाती है। तो इस डायरेक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि करंट इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो इस डायरेक्शन में चलने का मतलब ये होता है कि करंट जा रहा है यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट की डायरेक्शन हो गई क्लॉकवाइज।
लेकिन जैसे ही मैं इस मैग्नेट को यहाँ से दूर लेकर जाता हूँ तो दूर लेने पर ले जाने पर यह होता है कि यहाँ बन जाता है साउथ पोल और यहाँ बन जाता है नॉर्थ पोल। तो साउथ पोल बनने का मतलब ये होता है कि अब जो करंट जाएगा वो इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये जो डायरेक्शन होगी यहाँ पर वो डायरेक्शन कुछ ये होगी। तो अपने इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है कवर करेंगे। अपने इस लेक्चर को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपसे मुलाकात होती है।